हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सीरीज। ये सेट सी का अभ्यास 6 है। इस तरह के 16 से 17 सेट है। प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास हैं। इस प्रकार से 6 से 7000 क्वेश्चन है। डेली बेसिस से मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। चाहे आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, MPTET हो, चाहे अदर स्टेट के TGT PGT हो, UGC नेट हो, चाहे KBS NBS हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन हर एक टॉपिक को विस्तृत रूप से बताया गया है एंड चैप्टर वाइज MCQs बताया गया है, वन लाइनर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चन है। सभी चीज़ों को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। तो समय नष्ट न करते हुए दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो यहां पे आपका क्या क्या ऑप्शन दिया है कि अर्जुन पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? 15 लाख, ये राइट है। एंड द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख दिया जाता है, ये भी राइट है। ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख दिया जाता है, ये भी राइट है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी ख आपका राइट हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उसमें 15 लाख नहीं दिया जाता है, उसमें 25 लाख दिया जाता है। तो ख ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको ख्याल रखना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1991-92 से हुआ, लेकिन इसका नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जो देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जो 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया विश्वनाथन आनंद को, एंड 2022 में दिया गया है आपको आचंत शरत कमल को, टेबल टेनिस प्लेयर हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीते हैं 2022 बर्मिंघम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहां पे आपको देखना है फीडे। दोस्तों, फीडे आपका शतरंज से रिलेटेड है, राइट है। यहाँ पे FIE जो है तलवारबाजी से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय संघ है। FIG फेडरेशन इंटरनेशनल जिम्नास्टिक जो है आपका, ये भी जिम्नास्टिक की अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संघ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फीला जो है वह कुश्ती से रिलेटेड है। निम्न में से कौन विषम है? तो दोस्तों, यहां पे आपको ध्यान देखना है कि लाइपेज, रेनिन, अमाइलेज, ये तीनों क्या है? तीनों एंजाइम है। क्या है? तीनों एंजाइम है। लाइपेज जो है, लाइपेज रेनिन, ये हमारे अमाशय से यानी स्टोमस से निकलने वाले एंजाइम है। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, रेनिन जो है दूध का पाचन करता है, दूध को कैसीन में बदलता है। जो अमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो अग्नाशय से निकलता है और जा करके छोटी आंत के पहली बार डोडिनम में जाके मिलता है, वहाँ पे वो भोजन का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लेकिन यहाँ पे विषम पूछा है, तो विषम में क्या है? मोनोसाइट। कौन है? मोनोसाइट। ये मोनोसाइट क्या है? ये इन सबसे विषम है। ये तीनों क्या है? एंजाइम है। मोनोसाइट क्या है? यह श्वेत रक्त कणिका का भाग है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे चौरंग जो है पहले शतरंज को बोला जाता था, चौगान पोलो को बोला जाता है, मोक्षपट सांप सीढ़ी को बोला जाता है, बट यहाँ पे मोज खास क्रिकेट को नहीं बोला जाता, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में पहला शारीरिक शिक्षण संस्थान कौन सा खोला गया? तो दोस्तों, यह YMCA है। YMCA जो मद्रास में खोला गया है, यह भारत ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप का पहला शारीरिक शिक्षा संस्थान है, जिसको भारत में स्थापना किया HC Buck ने 1920 में, और HC Buck को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। निम्न में से कौन विषम है? तो दोस्तों, यहाँ पे देखना है आपके कि नो चार्ज सेमी सर्कल, यह बास्केटबॉल से रिलेटेड है, पीवट भी बास्केटबॉल से रिलेटेड है,
एंड सिलेंडर सिद्धांत भी बास्केटबॉल से रिलेटेड है, बट आपका डायरेक्ट किक जो है वह फुटबॉल से रिलेटेड है, इसलिए यह विषम है। नेक्स्ट है, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1931 में हुआ। नेक्स्ट है, किस कमेटी के सुझाव पर 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में की गई? तो यह ताराचंद कमेटी के सुझाव पर किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत हुई? दोस्तों, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत हुआ है 1956-57 में। कब? 1956-57 में। इसको शॉर्ट में माका ट्रॉफी भी बोला जाता है। यह दोस्तों पिछले एक साल में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है, जिसमें 15 लाख धनराशि दिया जाता है। माका ट्रॉफी के प्रथम विजेता है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। 2022 में यह ट्रॉफी किसने जीता है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब ने जीता है, जो 23वां बार जीता है, जो सबसे अधिक बार इस पुरस्कार को जीतने वाला विश्वविद्यालय है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यानी माका ट्रॉफी सबसे अधिक बार किस विश्वविद्यालय ने जीता है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब ने जीता है। कुल कितने बार? 23 बार। नेशनल राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम किस सन में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पड़ा? राष्ट्रीय खेल संस्थान या नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट NIS, तो NIS की स्थापना 7 मई 1961 को हुआ, लेकिन इसका नाम NSIS यानी नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कब पड़ा? तो 1973 में पड़ा। नेक्स्ट है, सडन डेथ टूर्नामेंट किस खेल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्त्रियों से संबंधी गुणसूत्र कौन सा है? तो यह है XX और पुरुषों में XY। कुल 46 गुणसूत्र होते हैं यानी 23 जोड़े। नेक्स्ट, किसने कहा खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है? तो इस बात को कहे हैं जिंजर ने। नेक्स्ट है, स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जैसे सैंग्यूनिक कैलेरिक आदि का वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका वर्गीकरण किया है हिप्पोक्रेटस ने। दोस्तों हिप्पोक्रेटस ने बॉडी टाइप को 4 प्रकार में डिवाइड किया है। पहला है कप प्रवृत्ति वाले यानी कोलेरिक, जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली एवं संवेगात्मक रूप से कमजोर, चुस्त पर स्वभाव से चिड़चिड़ा होते हैं। दूसरा इन्होंने बांटा है काले पित्त वाले, जिसे मलेन कोलिक बोला जाता है, जो शारीरिक व संवेगात्मक रूप से हर एक चीज में निराश और दुखी रहते हैं, कमजोर होते हैं। तीसरा इन्होंने बांटा है पीले पित्त वाले यानी कि प्लगमेटिक, जिसमें शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं बट संवेगात्मक रूप से सशक्त सुस्त होते हुए भी आनंद युक्त होते हैं ये लोग। और चौथा इन्होंने बांटा है अधिक रुधिर वाले यानी कि सैंग्यूनिक, यानी कि इसमें रक्त की अधिकता मात्रा होती है, कर्मठ साहसी हसमुख तथा आशावादी होते हैं, शारीरिक रूप से सशक्त और संवेगात्मक रूप से स्थिर संतुलित होते हैं। यानी इन्होंने 4 प्रकार में बांटा है, कप प्रवृत्ति वाले यानी कि कोलेरिक, काले पित्त वाले यानी कि मेलनकोलिक, पीले पित्त वाले यानी प्लाग्मेटिक एंड अधिक रुधिर वाले यानी कि सैंग्यूनिक। ठीक है, एंड सेल्डन क्राइसमैन ने कितने भागों में बांटा है? क्राइसमैन ने पिकनिक, एथलेटिक, अस्थेनिक, डैश प्लास्टिक 4 भागों में बांटा है, और सेल्डन ने 3 भागों में बांटा है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। जिसको आप विस्तृत जानकारी के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, खेल मनोविज्ञान वाले प्लेलिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड्डी को काफ कहा जाता है? जैसे कि मसल्स को तो आप जानते हैं, काफ मसल्स किसे कहा जाता है? गैस्ट्रोनिमियस मसल्स को। यहाँ पे हड्डी पूछा है, तो किस हड्डी को काफ कहा जाता है? तो दोस्तों फिबुला हड्डी को काफ कहा जाता है। नेक्स्ट है, हीमोफिलस
पर्टोसिस जीवाणु किस बीमारी से संबंधित है? तो दोस्तों हीमोसीलस पर्टोसिस जो है वह किस बीमारी से रिलेटेड है? हीमोसीलस पर्टोसिस तो यह है कुकुर खांसी यानी कि ऊपिंग कॉक से रिलेटेड है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, हीमोफिलस पर्टोसिस बैक्टीरिया से क्या फैलता है? कुकुर खांसी यानी कि ऊपिंग कॉक। यहां पे आपका दिया हुआ है डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया को हम रोहिणी भी बोलते हैं। यह कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा फैलता है, ठीक है। और यह श्वास नली को प्रभावित करता है जिसे ज्वर श्वास में जो है डिप्थीरिया में क्या होता है, श्वास नली प्रभावित होते हैं, तीव्र ज्वर के साथ श्वास में पीड़ा होती है, श्वास नली में जाली सा बन जाता है। एंड जो सिफिलिस होता है, सिफिलिस जो है ट्रोपिनोमा पैलिडम बैक्टीरिया से फैलता है, यानी बैक्टीरिया से फैलता है, ये ध्यान में रखिएगा। और सिफिलिस में जो है होता है क्या है कि मूत्र मार्ग में घाव हो जाता है। एंड आपका जो प्लेग है, प्लेग किससे फैलता है दोस्तों? प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्लेग जो है वह चूहों के द्वारा फैलता है, लेकिन प्लेग बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, भी ध्यान में रखिएगा। प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। प्लेग वह है कोक आरबीसी को प्रभावित करता है, इसमें भी तीव्र ज्वर होता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा जुड़ा असंगत है? तो यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि छोटी माता यानी चिकन पॉक्स किससे फैलता है? वरिसेला वायरस से। किससे फैलता है? वरिसेला वायरस से। एंड चेचक जिसे हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं वह वेरिओला वायरस से फैलता है। एंड जो एड्स होता है वो एचआईवी वायरस से फैलता है। एड्स किससे फैलता है? एचआईवी वायरस से। यहाँ पे रेट्रो भी होगा आपका राइट, बट यहाँ पे रेबीज जो होता है वह वायरस से तो जरूर फैलता है, इसको अलग रोग भी बोला जाता है, या जानवरों के काटने से, पागल कुत्तों के काटने से होता है। यह रैबिडो वायरस के द्वारा फैलता है। रेबीज क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ये असंगत है। जो रेबीज है इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यह तंत्रिका तंतु को प्रभावित करता है, पानी से डर, ज्वर ज्वर आता है, श्वास लेने में परेशानी होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पानी से डर किस रोग में लगता है, तो रेबीज रोग में होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन को कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो दोस्तों यहां भी आपको ध्यान में रखना है कि कोलेकैल्सिफेरॉल जिसे विटामिन डी जो होता है उसको एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, और इसका किडनी हार्मोन भी बोला जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल है। इसको D2, D3, D4, 5 में आते हैं, बट D2 और D3 को मेन माना जाता है। तो D2 को हम आर्गो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं और D3 को कोले कैल्सिफेरॉल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, D3। D2 जो होता है आर्गो कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से टिटेनी यानी कि अस्थियों में ऐंठन होता है। जो D3 होता है कोलेकैल्सिफेरॉल, यह सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है, जिसमें D3 की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग, सुखंडी, अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। एंड वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषम है? तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, कम्युनिटेट फ्रैक्चर के अंतर्गत आता है, ग्रीन स्टिक भी फ्रैक्चर के अंतर्गत आता है, इम्पैक्टेड भी फ्रैक्चर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कौन विषम है? तो ब्रेक आपका विषम है।
में से कौन सी मांसपेशी विंग मांसपेशी कही जाती है? तो विंग नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हुआ है, तो विंग नहीं, स्विमिंग। ठीक है, कौन सी मांसपेशी स्विमिंग मांसपेशी कहा जाता है, स्विमर मांसपेशी? तो लैटिमस डॉर्सी। कौन होता है? लैटिमस डॉर्सी। एंड दोस्तों कौन सी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, कौन सी मांसपेशी का क्या काम है, इसके लिए मांसपेशी वाले वीडियोज को देख लीजिए। नेक्स्ट है, अत्यधिक फैलाव के कारण मांसपेशी का टूटना क्या कहलाता है? तो मांसपेशी का टूटना क्या कहलाएगा, जब मांसपेशी और टेंडन में चोट आए अत्यधिक तनाव के कारण, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेन। अब वही कहे कि लिगामेंट के अत्यधिक तनाव के कारण कौन सा चोट कहलाएगा, तो स्प्रेन। जो टेंडन होता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, जो लिगामेंट होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ों पर जोड़ता है। नेक्स्ट है, किस खेल के खिलाड़ी को टॉक्सोफिली कहा जाता है? तो दोस्तों तीरंदाजी के खिलाड़ी को टॉक्सोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट है, जॉब बी वाटसन किस अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक है? तो यहाँ पे आपको देखना है, जैसे कि प्रयास एंड त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एरर सिद्धांत तो दिया है थॉर्नडाइक ने, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया है, तो यहाँ पे सहज अभ्यास सहज प्रवृत्ति का तो मैकडूगल ने दिया है, तो अनुबंधित क्रिया का सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन वी वाटसन ने किसका सिद्धांत दिया है? अनुबंधित क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में डोपिंग को शपथ में शामिल किया गया? दोस्तों तो 2000 सिडनी ओलंपिक में सबसे पहले डोपिंग के विरुद्ध शपथ लिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, हेपेटिक धमनी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों यह यकृत यानी लीवर से संबंधित है। यह धमनी छोटी आंत से जुड़ी रहती है, जिससे छोटी आंत से जो भी पोषक तत्व अवजर्व होते हैं छोटी आंत की बिलाई के द्वारा, वह सभी बिलाई में रक्तवाहिनियां होती हैं, तो उसमें रक्तवाहिनियां जो है बिलाई में वो पोषक तत्वों को अवजर्व करके हेपेटिक धमनी के रास्ते चली जाती है यकृत में, यहीं से यकृत से क्यूरिफाई होकर के सभी शरीर में भेजा जाता है। 1916 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? जैसा कि आप सबको पता है यह रियो डी जेनेरियो ब्राजील में खेला गया था, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, 2004 के ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों 2004 का जो ओलंपिक था एथेंस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, यह किसका मत है कि प्रत्यक्षण का अधिकतर अंश जन्मजात न होकर अर्जित होता है? तो यह किसका मत है? यह है हेब का। किसका मत है? हेब का। कुछ दोस्तों मनोविज्ञान के कुछ अति कठिन प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो आप इसमें बोरिंग मत होइएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यक्षण के सूचना संसाधन उपागम की मान्यता है कि व्यक्ति की प्रत्यक्षण क्षमता सीमित होती है। प्रत्यक्षणकर्ता में किसी भी सूचना को प्रवाह यानी फ्लो कई चरणों में संपन्न होती है, जो निम्नलिखित है। पहला है संवेदी ग्राहक यानी सेंसिटिव कस्टमर, दूसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा है उद्दीपक, चौथा है कॉर्टिकल मस्तिष्कीय केंद्र, पांचवा है अनुक्रिया। तो यहाँ पे आपका क्रम से जुटाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको क्रम में लगाना है, तो क्रम में लगाना है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। कैसे? कि सबसे पहले हमारे पास उद्दीपन आएगा। क्या आएगा? उद्दीपन। मान लीजिए हम थॉर्नडाइक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, सबसे पहले तो उसको खाना दिखा, भूख लगा था, तो उद्दीपक खाना क्या है? उद्दीपक हुआ।
तो उद्दीपक सबसे पहले दिखा, उसके बाद जो हमारे उसके सेंस ऑर्गन थे उसके अंदर पहुंचा कि हमको खाना खाना है। तो वो सेंस ऑर्गन कहाँ ले गए, पहला है सेंस ऑर्गन, फिर उसके बाद है कहाँ ले गए, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ले गए, सूचना दिए कि हमको खाना खाना है। तो तीसरा, पहला, दूसरा, फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो हो गया, उसके बाद चौथा आ गया कॉर्टिकल मस्तिष्कीय केंद्र तक पहुंचा, उसके बाद उसने हमारे गतिकीय अंगों को, कार्यकारी अंगों को मोटर न्यूरॉन के तहत एक्टिव कर दिया, जिस प्रकार हुआ बिल्ली अपना रिस्पांस करती है, अनुक्रिया करती है, तो लास्ट में आपका अनुक्रिया करेगी रिस्पांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षण के सूचना संसाधन का मॉडल जिसमें व्यक्ति की संवेदी ग्राहकों से सूचनाएं लघु संवेदी संचयन में प्रवेश करती है, उससे फिर वे लघुकालीन स्मृति में प्रवेश करती है और अंत में दीर्घकालीन स्मृति में प्रवेश करती है। इस प्रकार व्यक्ति तीन अवस्थाओं में संशोधित करते हुए सूचनाओं का प्रत्यक्षण करता है। सूचना के इस मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सूचना के इस मॉडल का प्रतिपादन किया गया था एटकिंसन तथा सिफिन द्वारा। नेक्स्ट है, स्लो ट्विस्ट फाइबर का रंग लाल किसके कारण होता है? हमारे शरीर में दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, मसल फाइबर, स्लो ट्विस्ट फाइबर यानी कि रेड मसल फाइबर, और फास्ट ट्विस्ट फाइबर यानी कि व्हाइट मसल फाइबर। जो स्लो ट्विस्ट फाइबर होता है उसमें लाल रंग जो होता है वह मायोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। यहाँ स्लो ट्विस्ट फाइबर का जो रेड मसल फाइबर होता है उसका लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, एक सरल दृष्टि प्रत्यक्षण में एक भाग उभर कर ऊपर आता है तथा शेष पीछे जाता है, यह उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? यह है आकृति पृष्ठभूमि का, शेष बैकग्राउंड का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसी आकृति के अपूर्ण होते हुए भी उसे पूर्ण रूप में प्रत्यक्षण करना निम्न में से किस नियम का उदाहरण है? तो दोस्तों यह किस नियम का उदाहरण होगा? यह है बंदी, बंदी का उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिगम स्थानांतरण का कौन सा एक भाग है? तो यहाँ पे दोस्तों धनात्मक स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक। ठीक है, जो पहले से ज्ञान हमने अर्जित किया है यदि वह ज्ञान किसी नए कौशल को सीखने में सहायता कर रहा है तो धनात्मक स्थानांतरण है, पॉजिटिव ट्रांसफर है। जब पहले से ज्ञान जो अर्जित किया है दूसरे नए कौशल को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वह ऋणात्मक स्थानांतरण है। और जब पहले का ज्ञान नए कौशल को सीखने में न तो बाधा उत्पन्न कर रहा है न सहायता कर रहा है तो वहां पे शून्यात्मक स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम स्थानांतरण का कौन सा भाग है, तो यहाँ पे तो तीनों भाग है, एक ही भाग यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि कौन सा भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अधिगम के स्थानांतरण तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा कि यह एक नहीं है, यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन में लिखना भूल गया है। नेक्स्ट है, एक तटस्थ उद्दीपन नेचुरल ऑर्गन जो बार बार नेचुरल ओरिजन जो बार बार के अनुबंधित साहचर्य से अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा अनुबंधित उद्दीपक, कंट्रक्टेड स्टिमुलेटिंग। जैसा कि आपके पावलोव साहब ने कंडीशन थ्योरी दिया था,
उन्होंने कुत्ते के लार को काउंट किया था। पहले स्वाभाविक उद्दीपन को भोजन को प्रस्तुत किया था तो लार का काउंट किया था, उसके बाद अस्वाभाविक उद्दीपन घंटी को बजाया, जब जब भोजन देता था तब तक घंटी को बजाता था। तो उसके बाद एक दिन वो सोचा कि अब भोजन नहीं देते हैं ओनली घंटी बजाते हैं, तो घंटी के बजाने पर भी उतना ही लार उत्पन्न हुआ, यानी कि उसका जो अनुबंधन था उस घंटी के प्रति हो गया था। उसको ये मालूम चलता था कि घंटी बज गया यानी कि अब खाना मिलेगा, यानी कि उसके लार उत्पन्न उतना ही होता था जितना भोजन देने पर होता था। तो यहाँ पे आपका अनुबंधिता उद्दीपन हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची एक को दो के साथ मिलान करना है और नीचे कूट दिया गया उसके प्रयोग करते हुए सही चयन करना है आंसर का। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इतना लंबा तो पढ़ नहीं सकते, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आसन नंबर घ आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ऋणात्मक प्रबलन, अग्रोन्मुखी व्यक्तिकरण, धनात्मक प्रबलन और तत्पर व्यवहार। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए का थ्री, ए का क्या हो जाएगा, ए का थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री, यानी कि ऋणात्मक प्रबलन वो होगा जिसमें कोई उद्दीपक या प्रमोटर अथवा घटना जब इसके प्रारंभ को एक विशेष प्रतिक्रिया पर निर्भर बनाया जाता है तो वह उस प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना में वृद्धि करती है। और बी का फोर हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, आपका यह है बी, बी का हो जाएगा फोर, बी का फोर हो जाएगा, यानी कि अग्रोन्मुखी व्यक्तिकरण फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन जो है वे अनुक्रियाएं जो कुछ पशु प्रजाति द्वारा सरलतापूर्वक सीख ली जाती हैं उसको कहते हैं अग्रोन्मुखी व्यक्तिकरण। एंड सी का वन होगा, सी का क्या होगा, सी का आपका हो जाएगा वन, यानी कि धनात्मक प्रबलन क्या है, जब किसी उद्दीपक यानी परफॉर्मर अथवा घटना का किसी विशेष अनुक्रिया रिस्पॉन्स से के घटित होने पर समापन किया जाता है तो वह अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देता है। एंड डी का टू हो गया, डी का क्या होगा, टू होगा, डी क्या है, तत्पर व्यवहार। तत्पर व्यवहार क्या है, नई सूचना के प्रत्यावहन रिपीटेशन पर पहले के सीखने का ऋणात्मक प्रभाव ही होता है तत्पर व्यवहार। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसी प्रकार का एक इसी तरह दो तीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऐसा सीखना जिसमें प्रबलन एक विशेष अनुक्रिया पर आश्रित होता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है दोस्तों क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के किसने दिया था दोस्तों, तो स्किनर ने दिया था। उनके सिद्धांत को सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है दोनों को मिलान करना है आपका कूट का प्रयोग करते हुए। तो यहां पे सबसे पहले हम आंसर को बता देते हैं। आंसर है आपका यहां पे आपका घ है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो यहां पे आपका ए का टू हो जाएगा, ए क्या है आपका, समकालीन अनुबंधन, समकालीन अनुबंधन का हो जाएगा टू, यानी इस विधि में अनुबंधित तथा अनानुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है। जो अनुबंधित उद्दीपक है और अनानुबंधित उद्दीपक है दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं समकालिक उद्दीपन में, अनुबंधन में, ठीक है। और बी का वन होगा, बी का क्या होगा, ए बी है, बी का होगा वन, बी क्या है, चिन्ह अनुबंधन। चिन्ह अनुबंधन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किए जाने के कुछ समय बाद अनानुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। एंड सी का फोर होगा, ये सी है आपका, सी का क्या होगा, फोर, यानी इस विधि में सी है आपका विलंबित अनुबंधन। यानी विलंबित अनुबंधन क्या होगा कि इस विधि में अनुबंधित उद्दीपक के समय हो जाने के कुछ
विलंब के बाद अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इस विधि में अनुबंधित उद्दीपक के समय हो जाने के कुछ विलंब के बाद अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि भोजन और घंटी का। एंड डी का आपका 3 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा 3, यानी कि डी है आपका पृष्ठोन्मुखी अनुबंधन। पृष्ठोन्मुखी अनुबंधन क्या होगा? इस विधि में अनुबंधित तथा अनानुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक विकर्षणात्मक उद्दीपक का उदाहरण नहीं है। तो यहां पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा विकर्षणात्मक उद्दीपन डिप्रेसिव बूस्टर का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे है कौन? शोर है, भोजन है, विद्युत आघात है, बट यहाँ पे कड़वा स्वाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कि अनुबंधन की स्थापना ऐसात्मक तथा विकर्षणात्मक दोनों प्रकार के उद्दीपन से हो सकती है। ये बात राइट है। ख है आपका अनुबंधित उद्दीपक जितना ही अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति उतनी ही अधिक होगी। तो दोस्तों जितना ही आकर्षक आपका उद्दीपन होगा, उतना ही तीव्र आप उसके प्रति अनुक्रिया भी करेंगे। बात सही है। ग है आपका ऐसात्मक उद्दीपक का प्रयोग करने पर अनुबंधन की स्थापना में अपेक्षाकृत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि विकर्षणात्मक उद्दीपक का उपयोग करने पर 2-4 प्रयास में ही अनुबंधन स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ आपका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या है और नीचे कूट दिया गया है, इसमें से आपको छांटना है। तो ऑप्शन है आपका, कथनों पर विचार करना है कि पुनर्बलन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो दोस्तों पुनर्बलन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, ये बात राइट है। नेक्स्ट है आपका, धनात्मक प्रबलक वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है, ये भी बात राइट है। ग है आपका, ऋणात्मक प्रबलक पलायन तथा परिहार अनुक्रियाओं की संभाव्यता को बढ़ाता है, ये भी राइट है। अब प्रबलन सतत या अधिक हो सकता है, ये भी राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका नहीं दिया गया है, 42 है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि विस्मरण यानी फॉरगेट जो होता है वह स्मृति भूलना यादाश्त का एक क्या है? विस्मरण, स्मृति, भूलना, ये सभी यादाश्त का धनात्मक पक्ष है कि सकारात्मक पक्ष है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो फॉरगेट शब्द है वो हमारे जो यादाश्त है उसका तो नकारात्मक ही पक्ष है। क्या है? नकारात्मक पक्ष है, क्योंकि जब विस्मित हो जाएगा तो हमको याद कम रहेगा, फिर से याद करना पड़ेगा, तो नकारात्मक पक्ष ही हुआ। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने विस्मरण को एक नकारात्मक स्मृति या नेगेटिव मेमोरी माना है? विस्मरण को यानी फॉरगेट को किस वैज्ञानिक ने नकारात्मक स्मृति यानी कि नेगेटिव मेमोरी माना है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गेस्टाल्ट ने। गेस्टाल्टवादियों ने इस विस्मरण को यानी फॉरगेट को, भूल जाने को नकारात्मक स्मृति माना है।
नेक्स्ट है जब विस्मरण यानी कि फॉरगेट का कारण स्मृति चिन्हों यानी मेमोरी सिंबल्स का वास्तविक नाश होना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है चिन्ह आधारित विस्मरण, चिन्ह आधारित विस्मरण। नेक्स्ट है विस्मरण का कारण हो सकता है, तो दोस्तों विस्मरण का कारण क्या हो सकता है? कूट संकेतन का विफलता, ये भी विस्मरण का कारण है। भंडारण या संचरण विफलता, याद आप जल्दी से याद नहीं कर पा रहे हैं, कोई आप में कमी है, इसके कारण भी हो सकता है। पुनरुद्धार में विफलता यानी कि पुनः उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है सूची एक जो विस्मरण के सिद्धांत को सूचित कर रहा है और सूची टू जो है प्रतिपादक उसके सूचित कर रहा है, दोनों को मिलाना है आपको। तो यहां पे आपका हो जाएगा कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पे घ ऑप्शन सही होगा। यानी कि ए का टू होगा, ए का क्या होगा? ए का टू होगा। यानी कि ह्रास सिद्धांत या अनुप्रयोग सिद्धांत को दिया है इविंग हास ने। अब बी का वन होगा, संतनत दृढ़ीकरण सिद्धांत को किसने दिया है? मोलर तथा पिलजेंकर ने। सी का थ्री होगा यानी द्विकारक सिद्धांत मिल्टन इरविंग ने दिया है। नहीं दोस्तों, द्विकारक सिद्धांत को तो आपका स्पीयरमैन ने दिया है, लेकिन वो बुद्धि के सिद्धांत में दिए हैं, ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत में द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं स्पीयरमैन ने। यहाँ पे विस्मरण के सिद्धांत पूछा है इसलिए द्विकारक सिद्धांत यहाँ मिल्टन इरविन हो जाएगा। एंड डी का फोर ही होगा, उद्दीपक कूट संकेतन को दिया है टुलभिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्मृति यानी फॉरगेटफुलनेस का अवरोध सिद्धांत इनहिबिशन थ्योरी दो प्रक्रियाएं प्रस्तावित करता है जिनके अवरोध स्मृति पर अवरोध स्मृति प्रभाव उत्पन्न करता है। ये प्रक्रियाएं हैं, तो यह कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? यह प्रक्रिया है प्रतिक्रिया प्रतियोगिता और अधिगम का, रिस्पांस कंपटीशन एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट है सूची एक दो को मिलाना है आपको। सूची एक में आपको दिया हुआ है, सूची एक दो को इसे मिलाना है। 48 का आपका ख हो जाएगा यानी ए का फोर होगा। ए है आपका आघात के पूर्व की संलग्न घटना की विस्मृति, ए क्या कहलाती है? ए कहलाती है आपका ए का फोर हो जाएगा अभिघात पूर्व स्मृति लोक कहलाती है। बी का वन होगा यानी कि बी में क्या दिया है आपका? मस्तिष्क में न्यूरोफाइब्रिलिटी टैंगल्स की उपस्थिति के कारण उत्पन्न असामान्यता क्या होती है? यह होती है आपका आधातोत्तर स्मृति भ्रंश। क्या होती है? आधातोत्तर स्मृति भ्रंश। एंड आपका सी का हो जाएगा टू, सी का क्या हो जाएगा? टू। सी है आपका कि 65 वर्ष की आयु के बाद भयंकर स्मृति भ्रंश जो है वह जराजन्य मनोभ्रंश कहलाती है। और डी का आपका हो जाएगा थ्री यानी आघात का तुरंत उपरांत संलग्न घटनाओं की विस्मृति क्या कहलाती है? अल्जीमर व्याधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुप्रयोग के नियम के अनुसार अगर समय समय पर स्मृति चिन्हों को पुनर्जीवित न किया जाए तो क्रमशः धूमिल पड़ जाते हैं
और अंत में मिट जाते हैं। इस कथन को किसने धूमिल यानी मिट जाते हैं इसको किस इसको कहते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है शोध यानी कि रिसर्च। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा कठिन था दोस्तों, आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन दो तीन बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो भी आपके पढ़ने लायक है इसमें आप उसको देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एंड तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।